खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सहरसा जिला के मुख्यालय के मीर टोला की रहने वाली बेटी ने बॉलीवुड डांस में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप में सहरसा जिले के 2 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीत हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है, जिसके बाद दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। इनकी पीछे कहानी क्या है, संघर्ष कैसा रहा आपका, इंस्पायर कहाँ से आपने? संघर्ष तो शुरू से ही रहा है, 10 साल से करीब, मतलब डांस से तो हमको बहुत दिन से ही रुचि था और बचपन से ही। और लेकिन मम्मी म्यूजिक सोचती थी, सिंगिंग सिखाएगी, लेकिन सिंगिंग से ज़्यादा हमको रुचि नहीं था, डांस से ज़्यादा ही रुचि था। तो डांस टीवी में देख देख के, क्योंकि उस टाइम उतना एकेडमी भी नहीं खुला हुआ था, 10 साल पहले का बात है, तो खुद से ही टीवी में देख देख के किए। और फिर यहाँ जाने के लिए सर एकेडमी में, स्ट्रीट डांस एकेडमी है वहाँ पे, नवीन सर के संस्था में नाम लिखा है, करीब 6 मंथ हो गया है। पिपरा थाना क्षेत्र के मकरोए में सड़क किनारे स्थानीय युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं शव को देखते इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रात के 2 बजे करीब मकरे के, क्या नाम उनका, जयकांत कामत और मोटरसाइकिल से आ रहे थे भोजन खा करके अपने दोस्त के यहाँ से। और हम लोग जब वहाँ देखे, स्थिति देखने से ये पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है और चक्का इस रफ्तार में घुमा है कि उसमें बांस का पत्ती उत्ती भी घुसा हुआ है, जो कि साबित करता है कि वो एक्सीडेंट ही है। भगवती के लिए फूल तोड़े, फूल तोड़ के लिए दुआ हम बरस करे थे, तो हमारे छोटका भैयारी चल गए पिपरा, कल के भैया छोटका चाप खत्म भै गया, कल है कल के नहीं खत्म भले खेला घाट पर छा वही बाँस लगल कर दरकल छा, अब केना भले से नहीं कह सक। कतः गए रहे वो गाल रहे मेजमानी गाल रहे और छक्का करे लो बौन के बचिया के छक्का करे लगा रहे पता से चल रहे बौन पर के रह जाए नहीं रहा ले पता से ले ये तो खेरा घाट के बांस में एक रात मार पीट बेल है आखि गाड़ी के ठोकर लागल है कि जब से नहीं देख लिए हम रात कर दिए मतलब भोर का ही ठोकर है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहूरिया पूर्वी पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 रिपोली गांव में बिहार धार्मिक न्याय परिषद द्वारा संचालित राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर के जमीन से अवैध मिट्टी कटाई पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने सौर बाजार थाना सौर बाजार अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मांग किया। वहीं अवैध मिट्टी कटाई को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर के नाम से लगभग 32 एकड़ जमीन है, जिसका उपयोग महंत लोग गलत तरीके से करते हैं। बहुत ही संपत्ति है कि हम यहाँ रहेंगे, मेरा है गांव में पार्टी पॉलिटिक्स चलते यहाँ रह गया, रहने के बाद में ही मनमना करता है, टेस्ट बोर्ड में भी दिया गया दरखास्त सब चीज़ किया, टेस्ट बोर्ड से इसको आदेश आया कि जगह का संरक्षण करें, अन्यथा इनका 5 शर्त दिया गया है जिस पर एक भी शर्त पर कबूल नहीं है,
स्वतः इनको इनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। डीएम साहब को भी हम लोग दिए, डीएम साहब सीओ साहब को दिए, सीओ साहब जो अभी है महोदया है या सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिसीविंग देता देती है और फिर ले लेती है पटिया करके, और आने के लिए भी तैयार नहीं है। बोला जी इसका यहाँ घर है, इसका इसमें हम बिस्कुआ नहीं देंगे, इसको हम रास्ता बंद कर देंगे, इसकी इस देखे निकलता है, इसको हम गड्ढा खुनेंगे, इसको हम पोखर बनाएंगे, इसको साल इसको हम बीच में भी नहीं जाने देंगे हम। इसी का तरह से हम प्रशासन को समाज को बैठा कह रहा है सब बात। ये बोला जनार्दन यादव जगह पर, अब उसका बेटा है नरेश कुमार यादव, वो भी कल यहाँ था, समाज को लाया, समाज बोला ये कटा है, ये पैरा कम देगा, कल के जो बोलेगा वो बीजाम करेगा। अली मिर्जा भाई से अनुरोध मैं करना चाहूँगा, जो ये कबीर मठ रुपोली की संपत्ति है, जो कि यहाँ के जो शवायत के रूप में हम लोग के समाज में पूर्वजों से सब दिन से चलते आ रहे हैं महंत के रूप में, लेकिन महंत जो इनका पिताजी थे वह 5 बरस पहले गुजर गए हैं। इससे पहले हम लोग जो है पूरा सारे ग्रामीण मिल के कई बार जाके पिटीशन भी जाके दिए, कानून प्रक्रिया में भी गए, और मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो संपत्ति का ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, जो कि यहाँ जनार्दन यादव हैं, पूर्व महंत साहब के पुत्र हैं, ये देख लीजिए आप लोग अभी जो है जन समूह का ये रास्ता है, कहने का मतलब चारों टोल रुपोली का ये जो निकलने का एकमात्र जो है रास्ता है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत के मुसनहरिया टोला स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना को लेकर विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने बताया कि कमरे में रखा मध्यवाहन भोजन का 15 बोरा चावल में से 6 बोरा चावल गायब था, और साथ ही विद्यालय के जरूरी कागजात और बच्चे के खेलने का सारा सामान भी गायब था। चोरी होने के बाद ये है कि सभी ट्रंक में सभी कागजात था, अच्छा, लेकिन बच्चे का भी कागजात था, सब खेलने वाला था बच्चा का, अच्छा, खेल सामग्री था, हाँ खेल सामग्री था। कैगो ट्रंक तो रहा है? दो ट्रंक, मतलब सारे कागजात उसमें रखा उसी में थे। उसके अलावा और क्या क्या चोरी हुआ? उसमें सिलेंडर भी चोरी हुआ, सिलेंडर। रोहतास के कैमूर जिला में मिलाकर लगभग 224 पोस्ट ऑफिस कार्यरत हैं, उसमें से एक पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा रेवेन्यू करता है जिसके पास शौचालय तक नहीं है। बता दें कि बिहार मिलिट्री पुलिस की स्थापना वर्ष 1943 में डेहरी ऑन सोन में हुई थी। वहीं उसके कैंपस में स्थित एक डाकघर को जर्जर कमरे और 2 स्टाफ द्वारा संचालित किया जा रहा है, और वहाँ आस पास में सांप और नेवले भी देखे जाते हैं कभी कभी। ये बिल्डिंग हम लोग को दिया गया जब यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहा था, अखोरी प्रसाद राष्ट्रीय खेल हुआ तो हम लोग के तत्क्षणिक के लिए दिया गया था तत्काल कि बिल्डिंग बहुत जर्जर है, इसमें रहने लायक है नहीं, लेकिन मिला था कि अभी आप जाइए और कुछ दिन के बाद फिर रिपेयर करके वही बिल्डिंग को हम आपको दे देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत पत्राचार किए, बीच में 2-3 कमांडेंट सर लोग भी आए, उनसे भी पत्राचार किए, वो लोग बोले कि रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। सहरसा जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी ने विभिन्न वार्ड का निरीक्षण कर उसमें कमी को देखते हुए उसके अविलंब निराकरण को लेकर सिविल सर्जन को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, और साथ ही निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डो में इलाज करा रहे रोगी एवं मरीज के परिजनों से बातचीत कर अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। जी आज सदर अस्पताल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है अभी, तो वर्तमान में मेरे द्वारा अभी बर्न वार्ड हो गया, मेल वार्ड हो गया, इसी तरह महिला वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड, इन सब का निरीक्षण अभी तक किया गया है। इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसका सिविल सर्जन साहब भी मेरे साथ में, उनको उन सभी की कमियों को दूर करने का निर्देश भी दिया गया है, और अभी आगे का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जो भी कमियां परिलक्षित होंगी या जो भी अच्छा काम हो रहा होगा उस विषय में हम लोग अस्पताल प्रबंधन से भी निर्देश देंगे, और यही हमारी प्रेरणा रहेगी और प्रयत्न रहेगा कि जितने भी हमारे जिलेवासी हैं उन सभी लोगों को एक बेहतर चिकित्सा मिल सके, और वो जो हम लोगों के पास अभी एग्जिस्टिंग सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं चिकित्सा की, उन सबका लाभ सभी लोगों को हम लोग पहुंचा सकें।
खबर नवादा से है, जहां मुखिया उदय यादव के जिलाध्यक्ष बनने पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं साथ ही राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्री वेणु कुमार यादव ने सद्भावना चौक स्थित राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र में बैठे लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। नवादा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट से एफएम का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान आकाशवाणी पटना सहायक निर्देशक उदय शंकर ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है और इस एफएम से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। एफएम प्रसारण एक प्रकार का रेडियो प्रसारण है जिसमें कैरियर की आवृत्ति को प्रसारण ध्वनि के अनुसार मॉड्यूलेट किया जाता है। मैं उदय शंकर, सहायक निदेशक अभियंता आकाशवाणी पटना से मैं यहाँ नवादा आया हूँ। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 91 एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण हुआ है पूरे देश में। यह ट्रांसमीटर एफएम ट्रांसमीटर जनता के लिए बहुत उपयोगी है। इसका प्रसारण की गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है। इसे जनता हर प्रकार का लाभ उठा सकता है, सूचना हो, मनोरंजन हो, गृहिणी का से संबंधित गृहिणियों के हर तरह की समस्याओं एवं ज्ञानवर्धन का जो भी जो का है वो इस ट्रांसमीटर से आप अच्छे गुणवत्ता के साथ सुन सकते हैं। नालंदा जिले के सहायक थाना पावापुरी ओपी क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं जब पुलिस इस मामले की कार्रवाई के लिए पहुंची तो मृतक के परिजनों ने लूटपाट और ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट के झूठे आरोप लगाए ताकि पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई न करे। उसका बड़ा लड़का था और उसको और प्लस में उसके तीन भाई को भी, चारों को लेकर के चला गया। बोली हम लोग जो करता कौन बना हुआ था बड़ा लड़का बड़ा उसका नाम आदित्य राज है, बड़ा लड़का था। किनका लड़का था वो जो मैंने जिन जो मरी है उसका बड़ा लड़का था अनुज कुमार, उसके पिता का नाम अनुज कुमार है, अनुज का लड़का था। क्या नाम था उनका करता का? आदित्य राज। और बताइए, परंपरा का उल्लंघन है, हम लोग इसको कैसे सह लेंगे? हिंदू रीति रिवाज से होता है। पुलिस लेडीज पुलिस मारने लगा, अगर क्या मतलब घटना है, क्या हुआ था जो आया था प्रशासन? घटना हुआ है, अपने आप के घर में रहता था, घर में हम लोग के नहीं पता था, हमने टोला पड़ोस वाला है, हमने कहा क्या हुआ, हमने देखने आए हैं, हम नहीं जानते कि कैसे मरा नहीं मरा जी। क्या हुआ था ना कि बड़ा ऑपरेशन से उनको बचा हुआ था 1.5 महीना पहले, ठीक ना, तो उनको खून का कमी हो गया था, ठीक, उनको खून का कमी होने के कारण उनको माइंड खराब हो गया था सर, वो आत्महत्या अपने से कर लिए, ठीक है सर। उनका छोटा सा बच्चा था, तीन गो, एक छोटा सा बड़ा था सर, वो लोग रात में हल्ला हल्ला किया सर, आप लोग परिवार आया सर, प्रशासन आया सर, हम लोग बोले सर ऐसा सर बात है, बोला ठीक है पोस्टमार्टम करा दो, अब केस मकबा नहीं होगा सर। उनको माता पिता से बात होता था क्या कि ठीक है जाके पोस्टमार्टम करा दिया, कुछ नहीं करेंगे, समानता हम नहीं जाके खड़ा हो लिए। किसका माई बाप आया? लड़की की। कौन मर लो देख रहा? अच्छा आओ कुछ देखो, ये तमाशा देखे लगली तो हमरे मारे लगे। मतलब प्रशासन लेकर आया था? हाँ प्रशासन देखे, वो है लेडीज पुलिस वगैरह के जाओ जस्ता, हम कहिए हमारे घर है जा कहाँ जीबी, बस मारे लग गए। अब कोई मारपीट किया? हाँ सब मोटरी एकदम मर मोटरी पर मोटरी निकाल रहे घर से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज, प्राइम टीवी सच साहस और सरोकार के साथ। के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। नवादा में श्री उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में पंचायत उपनिर्वाचन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता ने कहा कि अपर पंचायत उपनिर्वाचन के लिए दिनांक 26 4 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर पंचायत उपनिर्वाचन संपन्न कराया गया जाएगा। उप निर्वाचन 2023 संबंधित कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है जो निम्नवत है। बिहार शरीफ मुख्यालय के दीपनगर थाना क्षेत्र के इलाके के देवधा गांव के पास सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अंडरपास निर्माण को लेकर नवादा बिहार शरीफ मुख्य सड़क मार्ग NH-20 को जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि रजौली बख्तियारपुर फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर देवधा गाँव के मुख्य रास्ते को बंद किया जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने प्रशासन से देवधा गाँव में जाने के लिए अंडरपास या फिर ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। बंद है अच्छा हमनी के बिघा पर उतर के आओ देवधा आए पूरा अच्छा फिर काशिप तक ने उतारे तो हिया आए केकरा छीन लेते छोड़ लेते जान मारते बाल बच्चा चढ़ के आई जी गाड़ी कहाँ से रोड बंद कर दल गई तो हमको रोड चाहिए। देवधा गांव है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है पावापुरी होल्ट, यहाँ से पावापुरी होल्ट स्टेशन जाने के लिए हमारा रास्ता भी बंद हो जाएगा अगर जो अंडर पास नहीं दिया जाएगा। तब बताइए कि मेरा गांव का ये मुख्य रास्ता भी है, हम लोग इस पार से उस पार कैसे होंगे? उधर खेती होता है, उधर से जो भी अनाज वगैरह है कैसे हम इस तरफ लाएंगे? पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई होने के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी गहमागहमी देखी जा रही है। जहां सत्ता पक्ष उनकी रिहाई को लेकर उनकी सजा पूरी होने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष लगातार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर हंगामा कर रही है। वहीं इस मामले में नालंदा सांसद कौशल कुमार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि आनंद मोहन लगभग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और बिहार की सरकार ने कोई उनके पक्ष में निर्णय कुछ सोच समझ कर लिया है। इसमें राजनीति का बात नहीं है, आनंद मोहन जी ऑलरेडी सजा काट चुके हैं। अगर सरकार को निर्णय लिया है उनके पक्ष में तो देखिए सबको सोचना चाहिए कि जो जो आदमी 15 साल 20 साल जेल काटा हो तो उसके बाद उस आदमी का नेचर ही हो जाता है साधुवाद का, चाहे किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी पत्नी के बारे में उनके बच्चे के बारे में, कि एक अच्छा अवसर दिए हैं कि भाई आप सुधर जाइए या सुधर गए हैं अपने बाल बच्चा के साथ आप रहिए, उनके परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनपुर बगनगरी पंचायत में बारात निकलने से पहले दरवाजे पर जमकर मारपीट हुई। दूल्हा गाड़ी पर था और पीछे गाना बज रहा था, वहीं गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया।
ये है कि कोई गाना बज रहा था, गाना बज रहा था तो गाना का तो बात होता है कि सॉलियस से बात होता है, ऐसे बंद करो। बंद करने के लिए बोले तो वो ऐसे नहीं ना होता, ऐसे बांस से फोड़ देंगे बाजा, बाजा फूटेगा तो घर भैया ना देगा। तो वही वो फोड़ रहे थे, बाजा वजा बंद हो गया तो ये फोड़ रहे थे, तो हम गए उनको बोलने के लिए कि नहीं फोड़िए। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सोनपुर मंडल के डीआरएम नीलमणि पहुंचे, वहीं उनके आने की सूचना पर जंक्शन पर साफ सफाई का ध्यान रखा गया। बता दें कि डीआरएम प्लेटफॉर्म संख्या 1 से होते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर पहुंचे, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्हें स्टेशन पर गड्ढा दिखा, जिसे देखकर उन्होंने मौजूदा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण शुरू ही हुआ है, तो निरीक्षण में निरीक्षण का उद्देश्य है एक तो स्टेशन की साफ सफाई रखरखाव जो रूटीन मेंटेनेंस है उसका एक इंस्पेक्शन होना है, और जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम आरएलडीए द्वारा किया जा रहा है उसकी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है जो साइट्स अवेलेबल करवाने हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा गांव में रहने वाला युवक दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। कब हुई थी शादी? 2015 में। क्या करता आपके साथ? मारपीट करता है, गलत इल्जाम लगाता है। आज क्या हुआ? बोला तो जा अपने माई के, हमने रखेंगे 5 लाख रुपया, एक चैन, एक गाड़ी देना। ओ, तभी रखेंगे। हाँ। आज क्या भगा दिया, क्या किया? गाड़ी से घर से निकाल दिया। मारपीट का नाम आवेदन दिए? हाँ दिए। क्या नाम बताया अपना? कहाँ घर है? मुजफ्फरपुर जिले के सकरा और मुशहरी प्रखंड क्षेत्र में संगठित रूप से झोला छाप चिकित्सकों के द्वारा अवैध नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अवैध नर्सिंग होम संचालक और झोला छाप डॉक्टर हर बार फरार हो जाते हैं। बता दें ताजा मामला मुशहरी के द्वारिका नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम का है, जहां ऑपरेशन के बाद झोला छाप डॉक्टर ने महिला का गर्भाशय निकाले जाने का मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन ने अवैध नर्सिंग संचालक को सभी कागजात के साथ मुशहरी सीएससी प्रभारी को नोटिस जारी कर मामले की शिकायत की है। आज समाचार पत्र में देखे हैं मैसेज, उसके कटिंग के हिसाब से अभी तुरंत सपोर्ट किए हैं प्रभारी से, अभी तक हमको इसको संज्ञान में क्यों नहीं, हमारे संज्ञान में लाया गया, और अगर वहाँ छापा मारे तो उसको उचित कार्रवाई क्या की है उसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दिए। 24 घंटा के अंतर्गत उनसे हम रिपोर्ट मांगे हैं, उसके आगे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी मैं करूँगा। बार थाना क्षेत्र के अंतर्गत राज दरबार होटल में बहला फुसला कर लाई गई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें आरोपी थाना क्षेत्र के मसूद बिगहा के रहने वाला है। वहीं इस मामले में बाढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले को लेकर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत थाने में केस दर्ज कराया गया है। तो उन्हीं के आदेश अनुसार एक त्वरित रूप से टीम गठित की गई, गठित टीम के अनुसार जो है कान का उद्भेदन में उन्होंने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य को संकलन करते हुए जो उसमें संलिप्त एक व्यक्ति है जिनके द्वारा ये दुष्कर्म की घटना घटित की गई, उनका नाम है मोहम्मद इकबाल आलम उर्फ समीर पिता मोहम्मद साफिक आलम मसूद बिगहा के रहने वाला ही है, और इसमें आगे पता चला अग्रतर अनुसंधान में इनकी गिरफ्तारी के बाद ये भी पता चला कि इन्हीं की गर्लफ्रेंड जो है जो कि पीड़िता की चचेरी बहन है उन्हीं के द्वारा पीड़िता को बहला फुसला कर जो है वो लाया गया, और उसके साथ उन्हीं के बॉयफ्रेंड जो कि अभी। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।